हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। यह हमारा जावा स्क्रिप्ट का वीडियो नंबर 89 है। इसमें हम डॉम के कंटेंट्स मेथड सीखेंगे। तो इसका यूज किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर किसी टैग को या उसके एट्रीब्यूट्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इसका सिंटैक्स को देखिए। इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले डॉट, उसके बाद लिखेंगे कंटेंट्स, contains, कंटेंट्स इसका स्पेलिंग होगा। उसके बाद राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस के अंदर जिसको फाइंड करना चाहते हैं, अगर टैग को फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे टैग लिखेंगे, अगर एट्रीब्यूट को फाइंड करना चाहेंगे तो एट्रीब्यूट के नेम यहाँ देंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिस अपने एस्टीमेट डॉक्यूमेंट के अंदर कर लेते हैं। तो हमने अपना एस्टीमेट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसका यूज हम पिछले वाले वीडियो में किए थे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है यूएल के अंदर क्लास लगा हुआ है टीच बॉक्स, और ये सारे उसके एलआई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं पेरेंट एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में। तो बाहर माय पेरेंट एलिमेंट, ओके, माय पेरेंट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस डबल कॉमा और यू एल डॉट टीच बॉक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अभी हम सिंपल सिर्फ इसको फाइंड किए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस एलिमेंट या टैग को फाइंड करना, उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाहर माई फाइंड एलिमेंट, माई फाइंड एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए एट्रीब्यूट से देते हैं, माई फाइंड बाहर माई फाइंड एट्रीब्यूट्स राउंड ब्रेसेस डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस, इसके अंदर हम डाल देते हैं माई क्लास। माई क्लास के नाम से एक टेक्स्ट, एक क्लास को फाइंड करा रहे हैं। माई क्लास का नाम होगा, तो ये देखिए माई क्लास को हम के नाम से एक फाइंड किए यहाँ पे। अब देखिए हम कंटेंट्स मेथड को यूज करेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं रिजल्ट नाम करके, जिसे मैं इसी में हमें रिटर्न करके देगा। और यह वैल्यू जो होगा रिटर्न, वो ट्रू या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं बाहर रिजल्ट इक्वल टू। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं कंटेंट्स का, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट हमारा ये है, तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी डॉट या फिर माई पेरेंट एलिमेंट डॉट कंटेंट्स contains, सारे स्मॉल होगा राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस के अंदर जिसको आपको फाइंड कराना है, हमें फाइंड कराना है माई क्लास को, तो इसका वेरिएबल क्या है माई फाइंड एट्रीब्यूट्स। कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेव कर दिए, और इसके बाद हम कंसोल में इसे प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रिजल्ट डाल देते हैं। अब सेव कर दिए और रिफ्रेश करके ब्राउजर पे आते हैं, एक सेकेंड, ओपन इन ब्राउजर कर देते हैं। ये देखिए इंस्पेक्ट करके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कंसोल में आते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा है। तो ये हमें क्या देता है, मतलब ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। तो ये फॉल्स वैल्यू अभी क्यों दिया, यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉल्स वैल्यू क्यों दिया, फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि हमने जो माई क्लास का यूज किया है, यहाँ पे जो माई क्लास को फाइंड कर रहे हैं, इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर कहीं भी नहीं है। देखिए इस एलआई के अंदर भी नहीं, कहीं भी आपको माई क्लास का यूज नहीं किया गया है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एलआई में हम क्लास का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, माई क्लास। अब सेव करते हैं। अब देखिए, अब जैसे इस पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। ये ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये क्लास को फाइंड करके मिल गया, तो ये हमें ट्रू वैल्यू दे दिया। तो अगर देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से और पी के अंदर डालते हैं, तो भी हमें ये रिटर्न करके देगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि
कहने का मतलब कि जो पेरेंट एलिमेंट है इसके अंदर कहीं भी हो, मतलब कि ये पेरेंट के चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के चाइल्ड में भी हो गया, तो भी हमें रिटर्न करके दे रहा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, अभी हम दिखाए आपको एट्रीब्यूट्स के साथ ये हम एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूएल के अंदर टीच बॉक्स है, सॉरी यूएल का क्लास टीच बॉक्स है, और इस यूएल के अंदर एलआई टैग है, एलआई टैग को भी हम डाल देते हैं। तो देखिए तो भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। एक काम कर लेते हैं, एक ऐसा टैग ले लेते हैं जिसका यूज इसमें नहीं किए, तो इसके अंदर एच वन का यूज नहीं किए हम, तो एच वन डाल देते हैं। देखिए अब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, एच वन को ये फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि इसके अंदर यूएल क्लास टीच बॉक्स के अंदर एच वन का यूज नहीं है। और जैसे यहाँ पे हम एच वन अगर ये डाल देते हैं तो हमें एच वन अगर डाल दिया तो यहाँ हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि उसे एच वन मिल रहा है। देखिए तो यह एट्रीब्यूट्स और उसके टैग के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे हम इस यूएल के अंदर यूज किए थे एच वन, और इसी को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा वर्ड मिस्टेक है, हेलो का हेल लिखा गया, वो कर देते हैं हेलो और सेव करते हैं। तो क्या रिटर्न करेगा, अब यहाँ पे लॉजिकल बताइए आप लोग क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे यूएल के अंदर हम नहीं यूज़ किए हैं, यहाँ ऊपर कर दिए हैं इसको, तो इसका तो चाइल्ड नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए तो आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।